नमस्ते, मेरा नाम गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 10वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र व छात्राओं से बात कर रही हूँ। आज हम लोग पाठ्यपुस्तक गोधूली के काव्यखंड के कवि रसखान के पदों पर चर्चा करेंगे। आइए प्रथम कवि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कवि रसखान के ग्रंथ प्रेम वाटिका, जो कि 1610 ईस्वी का माना जाता है, उससे हमें विदित होता है कि ये कवि दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए थे और इनका रचना काल मुगल बादशाह जहांगीर का राज्यकाल का है। ऐसा माना जाता है कि जब दिल्ली पर मुगलों का राज्य हुआ और पठानों की पराजय हुई, तब कवि रसखान दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि पहुँचे तथा कृष्ण भक्ति में डूब गए। वैष्णव धर्म के संस्कारों की झलक इनकी रचनाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। संभव है यह पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे और बाद में दिव्य प्रेममय होकर भक्त कवि बन गए हों। 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। इनके दो ग्रंथ हैं, प्रेम वाटिका जिसमें प्रेम संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान जिसमें कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। कवि रसखान ने सहज स्वाभाविक ब्रजभाषा के अपने अनूठे सवैयों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गाया है। सवैया चार पंक्तियों का वार्णिक छंद होता है। कवि के सवैयों में दृश्यों तथा बाह्यांतर दशाओं की सुंदर योजना का समावेश है, जिसमें श्रृंगार और भक्ति रस मुख्य हैं, जिसके कारण भाव ध्वनि माधुर्य का बाहुल्य है जो अन्यत्र अत्यंत दुर्लभ है। सूफी हृदय युक्त रसखान ने कृष्ण लीला पर काव्य का सृजन किया, जिसमें उन्माद आनंद तथा व्याकुलता का अभूतपूर्ण सम्मिश्रण है। इनकी रचनाओं से प्रभावित भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये। कहने का तात्पर्य है कि मुसलमान रसखान के सुंदर हरिलीला काव्य पर अनेकानेक हिंदी कवियों के काव्य को मैं निछावर करता हूँ, यानी हिंदी कवियों की अपेक्षा मुसलमान कवि रसखान की रचनाएं श्रेष्ठ हैं। अतः रसखान संप्रदायों से अलग हिंदी के जनप्रिय कवि हैं। प्रस्तुत छंद रसखान रचनावली से उद्धृत हैं। दोहे सोरठा और सवैया ये सभी चार चरणों वाले भिन्न भिन्न छंद हैं। आइए अब हम प्रथम छंद पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहले मैं दो पंक्तियाँ पढ़ूंगी, उसके बाद शब्दार्थ बताऊंगी और उसके बाद व्याख्या करूंगी। आइए पहले पद का शीर्षक है प्रेम अयनी श्री राधिका। पहले पूरा पद एक बार पढ़ लेते हैं। प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम बाटिका के दो माली मालन द्वंद मोहन छवि रस खानी लखी अबद्रिग अपने नाही अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही मोमन मानिक ले गयो चितई चोर नंद नंद अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नै ननिह लगियो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। आइए प्रथम दो पंक्तियां देखते। प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम बाटिका के दो माली मालन द्वंद प्रेम प्रणय या प्रीति अनुराग अयनी ग्रह खजाना बरन
वर्ण या रंग, नंद 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 को आनंद देने वाले यानी श्री कृष्ण, वाटिका बगीचा, दो दोनों, द्वंद यानी युगल जोड़ा। कवि रस खान के अनुसार श्री राधिका प्रेम का खजाना है, अर्थात उनके व्यक्तित्व में प्रचुर मात्रा में अनुराग का बाहुल्य है, और नंदपुत्र यानी श्री कृष्ण स्वयं प्रेम रंग हैं, अर्थात पूर्ण संपूर्ण प्रीति स्वरूप हैं। जिस प्रकार बगीचे को लगाने, उसकी देखरेख करने में माली और मालन दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं, उसी प्रकार प्रेम रूपी उपवन को लगाने तथा सींचने में श्री कृष्ण माली तथा श्री राधिका मालिन के समान है। दो पर कवि का विशेष जोर है, क्योंकि श्री कृष्ण तथा राधिका दोनों को कवि जीवन में अभूतपूर्व अलौकिक प्रणय बंधन के प्रतीक मानते हैं। आइए अब पंक्ति 3 और 4 देखते हैं। मोहन छवि रस खानी लखी, अबद्रिग अपने नाही, अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मोहन मन को मोहने वाले यानी कृष्ण, छवि आकृति या मुख, लखी देखी, दृग आंखें, अपने अपने बस में, अंचे खींचे, आवत आते हैं, धनुष धनुष सर बाण से की तरह जाही जाते हैं। जब से कवि ने श्री कृष्ण की मनमोहक आकृति यानी छवि को देखा है, तब से ही उनकी आंखें उनकी अपनी नहीं हैं, अर्थात अपने बस में नहीं हैं, यानी हर तरफ उनको श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी छवि उनके मन में बस गई है। यह स्थिति कैसी है, कवि की कल्पना सुनिए। जिस तरह धनुष की डोरी को खींचने से बाण छूटकर चले जाते हैं, उसी तरह कवि की आंखें भी श्री कृष्ण की ओर खींची चली जा रही हैं। यहाँ कवि कृष्ण जी के चुंबकीय व्यक्तित्व यानी आकर्षण करने की शक्ति की ओर तथा अपनी अनन्य भक्ति की ओर संकेत करते हैं। अब पंक्ति 5 और 6। मोमन मानिक ले गयो चितई चोर नंद नंद, अब बेमन में क्या करूं परी फेर के फंद। मो यानी मेरा, मानिक रत्न विशेष, लय ले, चितई चोर हृदय को चुराने वाला, बेमन अनमना, का क्या परी पड़ा, फेर क्या फंद यानी आवागमन का फंदा। आगे कवि कहते हैं श्री कृष्ण कैसे हैं, मानिक हैं यानी एक रत्न विशेष के समान बहुमूल्य हैं। जो लाल रंग का रत्न होता है उसको मानिक कहते हैं। बाबा नंद को प्रसन्नता देने वाले हैं, उनको उन्होंने मेरे मन तथा हृदय को चुरा लिया है, अर्थात मैं अपनी सुदबुद्ध खो बैठा हूँ। ऐसी स्थिति में अनमना मैं क्या करूं, ऊपर से मेरे गले में आवागमन अर्थात जीवन मरण का फंदा पड़ा हुआ है। यहाँ कवि अपनी दयनीय अवस्था का वर्णन करते हैं। अंतिम पंक्तियां 7 और 8। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नय नैनी लगियो, मन पावन चिचोर पलक ओट नहीं कर सको। प्रीतम प्यारे, नंद किशोर नंद के लाल, जा जिस, ते से नयननी आँखों में, लगियो बसे, पावन पवित्र, पलक ओट पलकों से पर्दा, करी कर सको सके। अंतिम पंक्तियों में कवि श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप मुझे सबसे प्यारे लगते हैं, बाबा नंद के लाला हो, सबसे पवित्र हो, जिस दिन से आप मेरे नैनों में बसे हो उस दिन से मैं अपनी
पलकों से भी आपसे पर्दा नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी आँखों में केवल आपकी मोहनी छवि के लिए स्थान है, अन्य किसी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन तो आपने चुरा लिया है। इस पद में कवि, जो कि सोरठा दोहा और सोरठा युक्त है पद, कवि रसखान ने राधा कृष्ण के अनुरागपूर्ण युगल का सरल ब्रज भाषा में वर्णन करते हुए अपने भक्तिपूर्ण समर्पण को वाणी दी है। उनकी सहज भक्ति पाठक पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। आइए अब सवैया छंद यानी अगला वाला दूसरे पद का आनंद लेते हैं। शीर्षक है करील के कुंजन ऊपर वारो। पहले पूरा पद पढ़ लेते हैं। या लकुटी रुकामरिया पर राज तिहोंपुर के तजी डारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखानी कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कलधोत के दाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। पहली पंक्ति एक और दो देखते हैं। करिल यानी कटीली झाड़ियाँ, कुंजन बगीचे, वारों यानी न्योछावर कर दूँ, लखुटी छोटी लाठी, अरु और कामरिया यानी कंबल, राज राज्य, तिहुपुर तीनों लोक यानी स्वर्ग भूलोक और पाताल लोक को तजी डारों यानी छोड़ दूँ, आठों सिद्धि आठ सिद्धि, नवनिधि नौ निधि, गाई गाय, चराई चराकर, बिसारों यानी भुला दूँ। कवि कहते हैं कि मैं ब्रज भूमि की कटीली झाड़ियों के बगीचे पर स्वयं को निछावर कर दूँ। यहाँ आप लोग ब्रज भूमि में गैया चराते हुए ग्वालों सहित श्री कृष्ण के रूप की छवि की कल्पना कीजिए। कृष्ण जी के हाथ में छोटी लाठी और कंबल है, जब माँ ने उनको गैया चराने भेजा है। कवि कहते हैं कि एक ओर मोहन गोपाल के हाथ में लाठी और कंबल है और दूसरी ओर तीनों लोगों का आधिपत्य है, तो मैं राज्य सुख को छोड़कर श्री कृष्ण की छवि पर अपने आप को न्योछावर कर दूं। और क्या मैं छोड़ दूं? अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि के भोग का सुख भी मुझे नहीं लुभा सकता। अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रम्या ईशत्व और वशत्व, और नवनिधि हैं खर्व नील कुंद मुकुंद कच्छप मकर शंख पद्म महापद्म। इन अष्ट सिद्धि और नवनिधि के भोग का सुख भी मुझे नहीं लुभाता, क्योंकि नंद बाबा की गाय चराकर मैं उसको भुला देता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक मोहमाया के साधन मेरे लिए कोई महत्व नहीं रहा। अब पंक्ति तीन और चार देखिए। रसखानी कवों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक रो कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। कबों यानी कब, सो से, बन बाग जंगल बगीचे, तड़ाग तालाब, निहारों देखूं, कोटिक यानी करोणों, कल धोत इंद्र, धाम लोक, कटीली झाड़ियाँ करिल जो है, और कुंजन बगीचे वारों यानी न्योछावर कर दूँ। कवि कहते हैं कि मैं कब तक यानी सदा इन नैनों से ब्रजभूमि के सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखूं। यह जंगल, ये बगीचे और तालाब जो मुझे अत्यंत सुख देते हैं, मैं सदा इसी क्रिया में मग्न रहना चाहता हूँ। मैं करोड़ों इंद्रलोकों के भोग विलास को भी इन कटीली झाड़ियों के बगीचों पर न्योछावर कर दूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेकानेक स्वर्गलोकों के क्षणभंगुर सुख
मुझे आकर्षित नहीं करते। श्री कृष्ण के प्रति मेरी जो इस सवैये में कवि रस खान की श्री कृष्ण के प्रति भावपूर्ण भक्ति की मानसिक विकलता अत्यंत सरल भाषा में दृष्टिगोचर होती है। आशा करती हूँ आपको भी मेरी तरह कवि शिरोमणि रस खान के पद अवश्य पसंद आए होंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।